आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। फतेहपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सातिर गौ तस्कर चाद मोहम्मद के पैर में गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर उसका साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस को देर रात मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि खागा कोतवाली के बदलुगापुर गांव में गौ तस्करी को अंजाम देने में जुटे हैं। खागा कोतवाली की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर घेराबंदी करते हुए साथियों को पकड़ना चाहा तो तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त घायल हो गया। पुलिस गिरफ्त में आए अभियुक्त चाद मोहम्मद के ऊपर वाराणसी, चंदौली और कौशाम्बी समेत अन्य जिलों में आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। एडिशनल SP ने बताया कि गौ तस्कर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। SP राजेश कुमार सिंह के आदेश पर फतेहपुर में पुलिस गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। न्यूज 9 भारत के लिए फतेहपुर से मोहित शर्मा की रिपोर्ट। थाना खागा और SOG की टीम की आज गौकसों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें चांद मोहम्मद नाम के गौकस के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए तुरंत CHC भेजा गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार हो गया है, जिसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। एक सातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर पहले भी जनपद बनारस और चंदौली और कौशाम्बी में कई सारे मुकदमे पंजीकृत रहे हैं और गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा पंजीकृत हुआ है। वर्तमान घटना में भी मुकदमा पंजीकृत करके और इसमें भी गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और 14 के तहत इनकी प्रॉपर्टी की कुर्की की जाएगी। और ये फतेहपुर पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसके लिए टीम के उत्साहवर्धन के लिए 25,000 के नगद इनाम की भी घोषणा की। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।